संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। रचनावाद कौमुदी में हमने 11 अभ्यासों को जानने का प्रयास किया था और आशा कर रहे हैं कि आप लोग शब्दकोश को बढ़ाते जा रहे होंगे। जैसे जैसे शब्दकोश बढ़ता जाएगा चीज़ें सरलतम होती चली जाती हैं, किसी भी भाषा में हो, वो संस्कृति भाषा क्यों ना हो। तो आज 12वीं अभ्यास है और अभ्यास 12वीं होने के साथ साथ इसमें आज नई विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा, तो थोड़ा सा उसके विषय में जान लेते हैं, फिर हम उसमें अनुवाद पर चलेंगे। इसमें वही हैं वृक्ष प्रासाद मन महल, इसके रूप चलेंगे राम की तरह। शैशवम उपवनम इस नपुंसकलिंग है तो ग्रह की तरह रूप चलेंगे इसके। प्रजा प्रजा और वेला, वेला मतलब समय, इनका स्त्रीलिंग है, रमा की तरह रूप चलेंगे। भी त्रयी अधि ई आनी इनके रूप मिला करके ज्यों की त्यों चल जाएंगे। त्रे के त्रायते त्रायते इस तरह से रूप चलते हैं इसके, सेव की तरह, सेवते सेवते सेवंते की तरह। इसमें अव्यय है कुछ, रति है, आराथ है, प्रभति, उक्त समय से लेकर के आरभ्य आरभ करके वही मानी बाहर प्राक। अच्छा, इसमें दो चीज देखने योग्य हैं, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जब भी इसमें विसर्ग लग रहे हैं तो दिशा को इंगित कर रहे हैं, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा। लेकिन इसमें इसको हटते ही प्राक, यानी कि प्राक शब्द जब लग रहा है तो पूर्व की ओर प्रत्यक, पश्चिम की ओर ओर शब्द लग गया है इसमें, उदक उत्तर की ओर, दक्षिणा दक्षिण की ओर, और इसमें कोई खास नहीं है, बस यही है। ध्रुवय अपाय अपादानम, जो ध्रुव है अर्थात जहां से कोई भी वस्तु अलग होती है वो ध्रुव कहलाता है, वो चल रहा हो या स्थिर हो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ ध्रुव है, स्थिर है, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए पेड़ में पंचमी है। दौड़ती हुए घोड़े से दौड़ गिरता है तो दौड़ता हुआ घोड़ा हालांकि चल रहा है लेकिन वो गिरने वाले के लिए ध्रुव है। कुल मिलाकर के जहां से जो वस्तु या व्यक्ति या जो भी चीज अलग होती है, अलगाव के अर्थ में जहां से अलग होती है उसमें उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और अगले सूत्र कह रहा है अपादाने पंचमी, उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। संज्ञा होना, विभक्ति होना, ये दोनों अलग अलग सूत्र होते हैं, हमने भी इस कारक के रूप में बहुत अच्छे समझाया, आप जाकर के उसको जरूर देखें। मैं हर बार बता देता हूं इस बात को, तो कारकों का अध्ययन विस्तृत रूप में बताया इसलिए बताना जरूरी भी है। अन्य आरात्रित इसके साथ में सीधे पंचमी का है, वह भीतर अर्थाना हेतु, भय का जो हेतु हो जिससे डर लगे और जिससे रक्षा की जाए, दोनों के अर्थ में पंचमी। आख्यात उपयोगी, जब भी किसी से शिक्षा ग्रहण की जाती है, वैसे तो आख्यात उपयोगी जो बहुत समय पहले की बात है, पूर्व समय में रचना की गई, तो तब गुरुकुल चला करते थे, स्कूल नहीं थे, जो अत्याधुनिक स्कूल है ये अंग्रेजों की देन है एक तरह से, तो गुरुकुल पद्धति में वहीं जाकर के अध्ययन ग्रहण किया करते। तो हो सकता है कुछ छात्र घर से भी शिक्षा ग्रहण करने जाते हों, लेकिन वहां एक नियम हुआ करता था, जो गुरुकुल के नियम हुआ करते थे तो आप सभी जानते ही हैं, उन नियमों के आधार पर जो शिक्षा ग्रहण किया करता था उसके लिए यहां सीधे पंचमी का प्रयोग किया गया। अन्यथा की दृष्टि में जहां से जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने में दूसरी जगह से, जैसे कथा कह रहा है कोई व्यक्ति और उसकी हम सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वहां पंचमी का प्रयोग नहीं होगा। तो आज के समय में विद्यालय जाने पर भी इसका पंचमी का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय में भी नियम होते हैं, वो ठीक है, संस्कार नहीं है पहले जैसे, लेकिन विद्यालय में कुछ अपने नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनके अनुसार चला जाता है। तो विद्यालय में भी शिक्षा ग्रहण करता है या किसी ट्यूशन वगैरह में कोई बच्चा जाता है उसमें भी अगर व्यवस्था है पढ़ने पढ़ाने की, तो वहां पर भी पंचमी का ही प्रयोग किया गया आधुनिक समय में। गुण संधि है तो संधि का आप अध्ययन करते चलें, संधियों को विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास किया है हमने, और यदि कोई संधि छूट गई होगी तो आप बता दें तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, वैसे छोड़ी नहीं है कोई, कुछ रह गई है जो मुख्य नहीं थी ज्यादा। अभ्यास में इसमें जो पहला अभ्यास में दे रखा है अस्माद वृक्षाद, अस्माद का प्रयोग कर दिया है, जबकि यहां अभ्यास में अभी हमें
एतद और तत् के रूप को ही यहाँ प्रयोग करना है। यहाँ अभ्यास में तस्माद प्रयोग का प्रयोग करना चाहिए था, वो हम इसमें तस्माद का ही प्रयोग करेंगे, अस्माद का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अस्माद का जो प्रयोग होगा इदम और अदस के रूप तेरहवीं अभ्यास से शुरू होंगे, तो वहाँ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी कुछ नहीं है, आप अभ्यास इसका जरूर कर लें उदाहरण वाक्यों में। हम सीधे अभ्यासों पर चलते हैं। अभ्यास 12 है, उस वृक्ष से ये फूल गिरे, उस वृक्ष से ये फूल गिरे, तो वृक्ष से वृक्षाद तस्माद, क्योंकि हमने जाना है इसके रूप, इसलिए वही हम एतत के और तत् के रूप ही इसमें प्रयोग करेंगे, इदम के और जो अदस के रूप हैं वो आगे चल करके प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये फूल गिरे, तो बहुत सारे फूल हैं, एतानि पुष्पाणि अपतन तस्माद वृक्षाद एतानि पुष्पाणि अपतन। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है और उसका उत्तर आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कहीं कहीं हम इसमें ता का प्रयोग करेंगे, जैसे तस्मात, कभी कभी वृक्षात, अस्मात, और कहीं कहीं तस्माद वृक्षाद, कहाँ दा का प्रयोग होता है, कहाँ ता का प्रयोग होता है और किस नियम से होता है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आपको ना समझ में आता हो तो हम अगली बार को उसको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो तस्माद वृक्षाद, क्योंकि हमने यहां दा का प्रयोग किया है, तस्मात होता है, तस्मात क्यों ना किया, तस्माद क्यों किया है, ये प्रश्न आपसे है। अगला है, उस महल से वह लड़की गिरी, महल से वह लड़की गिरी, तो इसमें वही आ जाएगा तस्माद प्रासादात सा कन्या या बाला या बालिका, जो भी लगाना चाहें, अपतत। ठीक है, अब यहां पर हमने प्रासादात ता का प्रयोग किया है, प्रासादात नब्दा का प्रयोग नहीं किया, क्यों? ठीक है, ये दो चीजें हैं, यहां पर दा है, यहां पर ता है, यहां पर भी दा हो सकता था लेकिन नहीं, यहां पर ता हो सकता था, हाँ इस पर ता लगेगा। तस्मात प्रासादात सा कन्या अपतत, तो यहां पर ता लगेगा और यहां पर भी ता लगेगा। ऊपर हमने दा का प्रयोग किया है, यहां पर ता का प्रयोग किया है, ऐसा क्यों है? इसीलिए दोनों को लिखने का थोड़ा प्रयास किया है, वो आप मुझे बताएंगे। अगला है, किस घोड़े से वह सेनापति गिरा, तो कस्माद, ठीक है, अश्वात, यहां अश्वात लगा रहा हूं, दा नहीं है, कस्माद अश्वात सह सेनापति अपतत, जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया, उसी नगर को अब गया है, अब
गया है। जिस नगर से, तो यस्मात, लेकिन यहां पर यस्मात हो जाएगा नगराद, लेकिन नगरात हो जाएगा। सह नृपहा, इस गांव में, कायदे में तो इसमें सप्तमी का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन सप्तमी नहीं आएगी। गत्यर्थ जितनी भी धातुएं होती हैं उनके साथ में द्वितीय का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, एतत् ग्रामम आगच्छत, उसी नगर को, तो तत् नगरम अब गया है, इदानीम यहां आगच्छत है, यहां अगच्छत है, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा, एक बार समझ लेंगे इसको दोबारा। जिस नगर से, तो यस्माद नगरात, यहां दा का प्रयोग किया, यहां पे ता का प्रयोग किया है, यस्माद नगरात स नृपः एतद् ग्रामम अगच्छत, आगच्छत आया, तद नगरम इदानीम अगच्छत, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अगला है, उस पाठशाला से वह लड़की यहां आई, तो उस पाठशाला से तस्या पाठशालाया, स्त्रीलिंग है तो तस्या पाठशालाया, सह सा बालिका अत्र आगच्छत, उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है, तो उस गुरु से है तो तस्माद गुरु सह शिष्या पठती या अधीते, ठीक है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सह एक बार और सुन लें, तस्माद गुरु सह शिष्या अधीते पठती वा, या तो अधीते लगा दें या पठती लगा दें, दोनों में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं। उसने गुरु से पढ़ा, सह गुरु अपठत, या वह गुरु से पढ़ा, इसकी संस्कृत इस तरह से बनेगी। यह लड़की चोर से डरती है, डरने के अर्थ में जिससे डरा जाए, तो सा कन्या या बाला या बालिका चोराद बिभेति, चोराद याद रखना है, दा लगेगा। आगे है, वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है, वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। ठीक है, तो वह ब्राह्मण सह द्विजः, या ब्राह्मण की सीधे ब्राह्मण भी ला सकते हैं, इस कन्या को, तो इसमें कर्म हो गया, ये हेतां कन्याम, सीधे कन्या की लगा रहा हूं इसमें, उस राक्षस से तस्मात राक्षसाद त्रायते, ठीक है, सह द्विजः एताम कन्याम तस्माद राक्षसाद त्रायते, उस कन्या से
उस राक्षस से बचाता है, क्योंकि भय औत्रय के रूप में जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसमें पंचमी का सीधे प्रयोग कर दिया जाता है। अगला है वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से, ठीक है, प्रजा से राजा के लिए धन लाओ, तो प्रजाभ्यः, यहां प्रजा में स्त्रीलिंग है, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, प्रजाभ्यः निरपार्थम, राजा के लिए या निरपाय, निरपार्थम धनम आनय, प्रजाभ्यः निरपार्थम धनम आनय, क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है। क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है। ठीक है, क्षत्रिय के अतिरिक्त, तो क्षत्रियात्रिते इसमें बहुत सारी चीज लग जाएंगी, अन्य इतर भिन्न अतिरिक्त इसमें दे रखा है, अतिरिक्त की तीनों में चार दे रखी है, अन्य दे रखी है, इतर दे रखी है, भिन्न दे रखी है, अतिरिक्त दे रखी है, इनमें से कोई एक लगानी है, सभी नहीं लगानी है, ठीक है। तो क्षत्रियाद अन्य या इतर कह, यानी कौन इस प्रजा को, इस प्रजा को एताम प्रजाम, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ, और अगर करना चाहें तो इसमें कर भी सकते हैं, ठीक है, दुखाद त्रायते, क्षत्रियाद अन्य कहा एताम प्रजाम दुखाद त्रायते, अगला है धर्म के बिना सुख नहीं, तो धर्माद रिते ना सुखम, धर्माद रिते ना सुखम, गांव के पास सारी सेना है, अब यहां पर जो पास लगा हुआ है गांव के पास, गांव के पास सारी सेना है, गांव के पास, अगर पास शब्द देकर के अगर निक्षा का प्रयोग कर दिया जाएगा तो गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर वैसे दे रखा है कोष्टक में आराध का यहां प्रयोग करना है तो पंचमी हो जाएगी सीधे, ग्रामाद आरात, आरात भी हो सकता था लेकिन आरात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखना इस चीज को, ये बताना है आपको, ग्रामाद आरात, इसमें संधियां भी सभी में हो जाएंगे लेकिन संधियां हम अभी कर नहीं रहे हैं, पहले तो धीमे धीमे सीखेंगे उसको, इसमें ये सारी संधियां होती चली जाएंगी, ग्रामाद आरात सारी सेना है, सर्वा सेना अस्ति, यहां पर जो सेना है वो एक इकाई की बात की गई है, सेनाएं हैं तो उसमें सारी सेना आ जाती, जल की, थल की, घुड़सवार की, रथ वाली सारी सेना, लेकिन यहां पर
जो सेना का प्रयोग किया गया है वो सैनिकों को इकट्ठा करके एक समूहवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर हम एक वचन का ही सीधे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वा सेना के रूप चल जाएंगे, सर्व संपूर्ण मानिए इसको, है ना, सारी सेना है, तो सर्वा सेना अस्ति, सभी सेना है। आगे है, गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर कौन लोग रहते हैं, तो ग्रामात, यहां ताला गया, ग्रामात पूर्व, इसमें एक चीज आएगी कि ओर, सभी में ओर शब्द लगा हुआ है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, तो इसमें सीधे सीधे प्रत्यय वगैरह का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ग्रामात प्राक प्रत्यक उदक दक्षिणाचा काह जनाह निवसंती, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा इसमें, काह जनाह निवसंती। अगला है, मैं बाल्यकाल से लेकर यहां ही रहता हूं, अहम बाल्यकालाद, यहां ता का प्रयोग है, बाल्यकालात प्रवृत्ति अत्रैव निवसामि, अहम बाल्यकालात प्रवृत्ति लेकर, शुरू से लेकर के अब तक, प्रवृत्ति मतलब तब से जब से लेकर होता है, अत्रैव निवसामि, गांव के बाहर जाओ, ग्रामाद दाहया, ग्रामाद बहि गच्छ, अब क्या समय है, इदानीम या का वेला, इदानीम का वेला या का वेला, इदानीम कुछ भी कर लीजिए, संधि करने के लिए इसको तोड़ मोड़ सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। वाटिका से फूल लाओ, उपवनात, ता है इसमें, उपवनात फूल लाओ, एक फूल भी हो सकता है, बहुत से फूल भी हो सकते हैं, लेकिन फूलों को लाओ होता तो यहां बहुवचन का प्रयोग करते हैं, हम यहां एक वचन का ही प्रयोग कर देंगे, ये दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि इसको तो आप बना ही लेंगे, एक वचन हो बहुवचन हो, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक वचन है तो सीधा कह रहा है फूल लाओ, तो एक ही फूल मंगाया होगा पूजा के लिए, आप एक के लिए सीधे प्रयोग कर देंगे। तो उपवनात पुष्पम आनय, पेड़ से फल गिरे, अब यहां बहुवचन है तो वृक्षाद दा लगेगा, यहां नहीं, इसमें वृक्षात ताई लगेगा, वृक्षात फलाने अपतन, उस गुरु से विद्या पढ़ो, तस्माद गुरु विद्याम पठ, तस्माद गुरु विद्याम पठ, इस तरह से ये संस्कृत हमने 20 वाक्य की जान ली है। हाँ, इसमें अगर कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताने का, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और इनके जो संधियां हैं इनको जरूर याद करते रहें, इसी की तरह इसमें भी संधि आप कर सकते हैं, वाक्यों में छोड़ दी है हमने, संधि नहीं करी है किसी की, और वाक्य बनाओ अभ्यास, ये सारी चीज़ें हैं आपको करनी है। उम्मीद करूंगा ये अभ्यास आपको 2-3 बार करेंगे तो आ जाएगी, और बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। इसमें जो मैंने पूछा है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि जब तक संधियों का ज्ञान ना होगा ये समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे हो गया, कहाँ तस्मात होना है, कहाँ तस्माद होना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।